सोमवार को शिमला नगर निगम कर्मचारी यूनियन ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में एक स्वर में सभी कर्मचारियों ने सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करने की मांग उठाई। साथ ही कर्मचारियों ने इस विषय में शिमला पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त शिमला को नोटिस भी जारी किया है। सीटू नेता विजेंद्र मेहरा द्वारा गत दिनों नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय के साथ की गई बदसलूकी मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों सहित निगम के पार्षद काफी खफा नजर आ रहे हैं। सीटू नेता विजेंद्र मेहरा द्वारा की गई इस बदसलूकी का विरोध जता रहे हैं। इसी को लेकर सोमवार को नगर निगम के सभी पार्षदों ने आयुक्त से मुलाकात की। पार्षदों ने बताया कि इस तरह से आयुक्त के साथ किए गए दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी पार्षदों ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की और प्रदेश सरकार व प्रशासन से विजेंद्र मेहरा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही आयुक्त को सिक्योरिटी प्रदान करने की भी मांग की। हमारे आयुक्त श्री पंकज राय जी के साथ जो बदसलूकी हुई है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसी बदतमीजी किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी। हम पंकज राय जी के समर्थन में खड़े हैं। पूरे पार्षद, पूरा नगर निगम पंकज जी के साथ खड़ा है और इस तरह हम मांग करते हैं कि जिन्होंने बदतमीजी करी है उनके साथ साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आयुक्त महोदय, पंकज राय जी के साथ जिस तरह की बदसलूकी कॉमरेडों द्वारा करी गई है उसका हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। आप देखें, अगर ऐसी वारदात हमारे किसी कर्मचारी के साथ, आज कमिश्नर साहब के साथ हुई, कल किसी सफाई कर्मचारी के साथ हो, रोड एंड बिल्डिंग वालों के साथ हो, किसी भी कर्मचारी के साथ हो, हम सहन नहीं करेंगे। चाहे वो पानी का मसला है, चाहे सफाई से रिलेटेड कोई काम है, किसी के साथ भी ऐसी घटना हो, हम पूरा कॉरपोरेशन एकजुट से खड़ा है। कोई पार्टी नहीं इसमें, पार्टी से उठकर हम खड़े हैं अपने कर्मचारियों के लिए और हम घोर निंदा करते हैं। सरकार से हम एक डिमांड करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी सी कार्रवाई हो और इन लोगों को अरेस्ट किया जाए तुरंत। होगा दो तीन दिन पहले का जो वाक्य नगर निगम में हुआ है, विजेंद्र मेहरा जी ने आयुक्त के साथ बदतमीजी की है, उस टाइम मैं भी वहीं मौजूद थी और इसका हम खंडन करते हैं। और पंकज राय जी पे कुछ आज एलिगेशन लगाए गए हैं जो बिल्कुल ही गलत है। जो 14 करोड़ की बात की गई है वो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। चाहे उसे प्रूफ विजिलेंस इंक्वायरी की जाए या कुछ भी, आपको देखने में आएगा कि यहाँ 14 करोड़ या 14 रुपये तक की भी धांधली नहीं इन्वॉल्व है। इस इशू को डाइवर्ट करने के लिए इस इशू को उजागर किया गया है। हम सारे पार्षद आज एक साथ हैं और हम आयुक्त के समक्ष आए हैं कि स्पेशल हाउस बुलाया जाए और स्पेशल हाउस में हम ये मुद्दा उठाएंगे कि जो आयुक्त से बदतमीजी है वो नहीं की जाएगी। यही आपकी मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से, जयराम ठाकुर जी से मांग करती हूँ कि आयुक्त को सिक्योरिटी दी जाए और हमेशा उनके साथ दो सिक्योरिटी रहे, क्योंकि शहर में इस तरह काम नहीं हो पाएगा, नगर निगम प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।